हे गाइस, पिछले बार मैंने एडोब एनिमेट सीसी के अंदर बताया था कि हम एक स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, वो स्टोरी मैंने बना के रखी है पहले से ही। तो ये फर्स्ट सीन है जो कि नॉर्मल वेविंग करके हैं। ये भी वेविंग, जो सी वेविंग एनिमेशन है वो हमने पहले से ही बना के रखा है। तो इसको हम मॉडिफाई करके अच्छी तरह से बनाएंगे इस स्टोरी को। तो मैं एक एक करके आप लोगों को ये पहले प्ले करके दिखाती हूँ कि स्टोरी लाइन क्या है इसकी, ठीक है? तो देखो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या होगा, ये कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मैंने दिखा है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो टाइटलिंग भी डाल सकते हैं कि ग्रीडी हेयर ऑन करके, वो भी टाइटल कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो आगे जा रहा है और नीचे जा रहा है, ओके। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखो, वो कैरेक्टर जो है वो नीचे आ रहा है और क्रैब जो हुआ है वो अंदर जा रहा है। इसका मतलब है वो उसको पकड़ने के लिए नीचे जा रहा है, ठीक है? तो इसमें और एक सीन भी हम डाल सकते हैं चाहे तो, कि ऊपर से वो देख रहा है उस क्रैब को, उसके बाद ही वो नीचे आ रहा है, वो भी एक ऐड कर देंगे चाहिए तो। तो देखिए, ये एक फनी सीन है यहाँ पे, वो उसको काट रहा है और वो आके बाहर उसको नाच के दिखा रहा है। प्लीज़ डाउनलोड माई पिक्टोस परफेक्ट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके का फनी जो भी एनिमेशन है इसमें होगा, और भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, देखो यहाँ पे सेकेंड सीन के बीच में, यहाँ पे देखो ये वापस से सीन आ गया। तो एक ब्लैकआउट सीन करके होता है कि इसके बाद जो फोर्थ सीन है ना, फोर्थ सीन के बाद उस हेरन को या फिर बगले को काटा, उसके बाद एक सीन ब्लैकआउट करके होगा, ठीक है? मतलब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो एक मछली को लेके आया और क्रैब अंदर चला गया फिर से। तो ये देखो, और वो थोड़ा सा हंस रहा है, तो हंसने वाला सीन। उसके बाद कट करके वापस से वो उस मछली को रख रहा है। तो रखने के लिए वो उसने, ये देखो, एक क्रॉस करके रख दिया। और बाद में लास्ट में क्या दिखाया था कि क्रैप का सेक्शन दिखाया था या फिर क्रैप का होम दिखाया था। तो उसके बाद आगे देखते हैं, इसको देखो, यहाँ पे क्रैप को समझ नहीं आ रहा है कि वो उसने मछली क्यों रखी है। तो वो बाहर आ रहा है, देख रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है। क्रैप के अंदर वाला पोर्शन दिखाया सब, तो उसका जो भी घर है या फिर हाउस है, हाउस दिखाया, और वो बाइनोक्युलर से देख रहा है। तो बाइनोक्युलर से देखने के बाद टेंथ में देखते देखो, तो वो बाइनोक्युलर से देख रहा है कि मछली है, ठीक है? और वो जो हेरन है वो भी वहाँ पे ही खड़ा है। तो ये सब कुछ सीन हम दिखाने वाले हैं इसमें, लेकिन और भी अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या करना है। ये हमारे पास स्टोरी लाइन है, तो ऑडियंस को भी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दूसरी जगह से बाहर आ रहा है। देखा जाए तो ये 11th सीन में देखो, ये जब रख रहा है, रखने के बाद देखो ये उस तरफ चला जा रहा है, ठीक है, सामने से। और यहाँ पे देखो ये बाहर आ गया, ठीक है? उसके बाद वापस से यहाँ पे देखेंगे तो क्रैप को उठा रहा है और उसको नाच के दिखा रहा है। नाच के देखने के बाद देखो ये सीन ऐसे था, ओके। तो वो सीन होने के बाद ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने वाला सीन, और उसके साथ साथ वो अंदर चला गया और इसको निराशा प्राप्त हुई। उसके बाद 17 सीन में सेम एक ब्लैकआउट सीन होगा, और नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे मछली दिख रही है उसको। तो ये वापस हम दिखाएंगे नहीं कि मछली लेके आ रहा है वगैरह, तो वापस सेकेंड टाइम दिखा रहा है कि हम डायरेक्टली मछली वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है? और हमें एक्सप्रेशन दे रहे वापस से सेम। तो सेम चाहे तो हम सीन्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं,
ये भी सेम कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीन को ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो देख रहा है तो सिर्फ मछली दिख रही है, लेकिन इस टाइम बगुला नहीं दिख रहा है। उसके बाद 21 पे जाते हैं तो सेम सीन कॉपी पेस्ट किया है, और सेम सीन यहाँ पे देखो। उसके बाद यहाँ से वो बाहर आ रहा है, मछली दिखाया और यहाँ से वो बाहर आया, उसने मछली को ले लिया, बगले ने उसको पकड़ लिया इस बार। अब बगले के टांग के ऊपर उसने काट दिया, ये चिल्ला रहा है, ठीक है। वो गिर गया, उसने छोड़ दिया टांग को भी, और ये यहाँ पे लग के देखो 24 में गिर गया, ठीक है। तो उसको कुछ मिला ही नहीं, ना मछली मिली ना कैब मिला। और यहाँ पे लास्ट शॉट में देखो क्या दिखा है, यहाँ पे ये बगुले के सामने ये नाच रहा है, दो दो मछली लेके सीन को ये कट कर दिया। यहाँ पीछे तो आप नेमिंग डाल सकते हो। तो ये बेसिक सी है स्टोरी। इसमें क्या है, बगुला जो है वो क्रैब को पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या क्या करता है, उसमें जो भी फनी सीन्स है वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग चाहे तो एक बेसिक सा स्टोरी बोर्ड करके बनाओ, ठीक है। मेरा स्टोरी बोर्ड वाला एक लेक्चर भी है, वो उसमें आप देख सकते हो कि स्टोरी बोर्ड कैसे बना जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली सीन लेने वाला हूँ, और क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसके लिए स्टोरी बोर्ड वगैरह बनाऊँगा। उससे अच्छी चीज़ यहाँ पे कि मेरे पास ऑलरेडी सीन्स कौन से है यहाँ पे अवेलेबल है, स्टोरी अवेलेबल है पूरी की पूरी, सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है, अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्टोरी बोर्ड की ज़रूरत है, ऑलरेडी स्टोरी है, हम सीन के हिसाब से ही बनाते जाएंगे आगे, ओके। सो इसके टोटल कितने सीन्स हैं यहाँ पे, 25, और हमारे कितने होने चाहिए, लगभग 30 के अंदर ही हम सीन्स बनाएंगे, ठीक है। सीन्स यहाँ पे ये पुराने होने की वजह से सीन्स यहाँ पे देखो ये थोड़े स्लो एनिमेशन वगैरह है, तो ये हम अच्छी तरह से बनाएंगे आगे जाके, मैं दिखाऊंगा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कैसे होगा। अभी से मैंने आप लोगों को स्टोरी लाइन बताई कि कैसे एनिमेशन करना है, या फिर स्टोरी लाइन क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे जाके भी मैं वैसे आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा सारी चीज़ें, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएंगे, हर एक चीज़ को हम बनाएंगे भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।